आप देख रहे हैं TNB। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र समेत देश के कई स्थानों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। देश के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में हुए भूखलन से सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एक घटना और सामने आई है, जिसमें कर्नाटक मंगलूर से मुंबई जा रही एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसका वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है। तो आइए नजर डालते हैं इस दुर्घटना वाले वीडियो पर। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह पूरी की पूरी ट्रेन मिट्टी से ढक चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के पटरी से उतरने की यह घटना दूधसागर सोनोलीम सेक्शन पर हुई है। वहीं स्थानीय रिपोर्ट्स में ट्रेन की पहचान 01134 मंगलूर जंक्शन CST टर्मिनल स्पेशल के रूप में की गई है। खास बात यह है कि वशिष्ठि नदी के उफान पर होने के चलते ट्रेन का रास्ता मंडगांव लोडा मिराज होते हुए बदला गया था। हालांकि अच्छी खबर ये है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। एक बार फिर नजर डालिए कि किस तरह ट्रेन मिट्टी में समा गई है। आपको बता दें कि ट्रेन के प्रभावित कोच में सवार यात्रियों को वापस कुलेम भेजा गया है। दूधसागर और सोनोलीम स्टेशन के बीच और करजोल और दूधसागर स्टेशन के बीच दक्षिण पश्चिम रेलवे में हुबली डिवीजन के घाट सेक्शन की दो जगहों पर भूखलन की घटनाएं देखी गई है। राज्य में भारी बारिश के चलते हुए हादसों में सैकड़ों लोगों के जान जाने की खबर है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। इसके अलावा 02780 हजरत निजामुद्दीन वास्को डा गामा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी प्रभावित होने वाली गाड़ियों में शामिल है। बुधवार को दिल्ली से शुरू हुई ट्रेन को लोडा और वास्को डा गामा के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। साथ ही ट्रेन नंबर 08048 वास्को डा गामा हावड़ा एक्सप्रेस स्टेशन, 07420 वास्को डा गामा तिरुपति एक्सप्रेस स्टेशन, 07420007022 वास्को डा गामा तिरुपति हैदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल को भी कैंसिल किया गया था। ऐसे में इस मुसीबत के वक्त इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े, उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।